Okay, my dear students, welcome back to chemistry class. We were talking about halogen derivatives of alkanes and aryl halide and alkyl halide. This we had seen, halogen derivative of alkanes and aromatic compound. So RX is alkyl halide, this we had seen in detail, and RX is aryl halides. तो कल के क्लास में aryl halide की reactions को discuss किया था, है ना? Those reactions you can write in a, what I can say, in a memory chart form. You can write it very well. जैसे यहाँ पर आपने fix कर दिया reactant chlorobenzene. अब क्लोरोबेंजीन का क्या करना है आपको? क्लोरीनेशन. तो क्लोरीनेशन करना है. क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन गैस लिया आपने और FeCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज किया. आपको ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरो मिल गया. ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन. देखिए मेमोरी चार्ट कैसे बनाना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ. फ्लो चार्ट बोलते हैं, मेमोरी चार्ट कहते हैं हम, रिवीजन चार्ट. क्लोरीनेशन के बाद कल क्या पढ़ा था हमने? नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज किया था? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सही है. तो ये नाइट्रेशन की कंडीशन हो गई. आपको यहाँ फिर से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिला प्रोडक्ट में. देन यू हैव डन सल्फोनेशन. सल्फोनेशन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आपको यहां फिर से ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव मिला. ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसा नोमेनक्लेचर था. ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज व्हाट वी गेट. देन नंबर फोर पे आपने क्या किया था? फ्रेडिल क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रेडिल क्राफ्ट को दो पार्ट में पढ़ा था आपने, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं हम. फ्रेडिल क्राफ्ट को दो पार्ट में स्प्लिट किया. 4A था अल्काइलेशन के लिए आपने यूज किया मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड ले सकते हैं आप. इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 we get, okay? और थोड़ा सा स्नीज हो रहा है मुझे, that's why I have put here my mask on. So CH3Cl, तो क्या मिला था बेटा यहाँ पर आपको? ऑर्थो एंड पैरा टॉलिन क्लोरोटॉलिन मिला था. क्लोरोटॉलिन मिला था. इसी का बी पार्ट में क्या किया आपने? एसिटिलेशन किया. एसिटिलेशन और एसिटिलेशन कैसे कैरी आउट किया? विच रिएजेंट? एसिटिल क्लोराइड CH3C(OCl). तो यहाँ पर आपको मिला ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल. करेक्ट. तो अभी मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को नाम ही लिखा, फॉर्मूला नहीं लिखा. लेकिन आप पहले नाम लिख लो और उसके बाजू में फिर फॉर्मूला बनाते जाओ तो याद रखने में आसान हो जाएगा, है ना? ये ऐसा एक मेमोरी चार्ट अपने चार रिएक्शंस के लिए मिल गया. और ऐसा ही आप प्रिपरेशन के लिए भी बना सकते हो. इसमें एक और रिएक्शन देखा था, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, है ना? आपने इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखा था, जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगाया था हमने, है ना? एक लगाया था पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पर ऐसा, करेक्ट?
तो इसके तीन रिएक्शन थे, वो तीन रिएक्शन का भी आप बना लो। कंडीशन अलग अलग लगती है, जब सिर्फ सिंगल NO2 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग अल्कली 443 केल्विन टेम्परेचर लगता, जब दो नाइट्रो ग्रुप आ गए, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा आ गए, तब क्या हो जाता है, कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है। वी यूज माइल्ड अल्कली सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और टेम्परेचर भी कम हो जाता है 403 केल्विन। और जब तीन NO2 ग्रुप आ गए, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब कंडीशन सिर्फ वार्म करना है उसे, है ना, जस्ट वार्म करेंगे आप तो उसका एसिड हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ हो जाएगा एंड वी गेट सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो उसको भी आप शॉर्ट में उसका एक बना लो। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक हलाइड्स का हमने रिएक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है आपको, आपको ये सारे कंपाउंड के शॉर्ट नोट्स लिख के लाने हैं। यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल दिस कंपाउंड, है ना, यू हैव टू फाइंड शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। थेरेटिकल है, इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ, जो नहीं समझेगा आप मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं, फ़ोन पे फ़ोन है ना, तो हर फ़ोन पे फ़ोन, तो यहाँ पर आप मुझे, बट यू हैव टू राइट बाई योर ओन, यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन से कंपाउंड है, डाइक्लोरोमीथेन, इट इज नेम्ड एज मिथाइलिन क्लोराइड, फॉर्मूला है CH2Cl2। तो इसका आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, ये आप सभी जानते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन टू यू, सो आई एम आस्किंग यू टू राइट शॉर्ट नोट। ऐसा नहीं है कि अपन ने गूगल पे देख लिया, विकिपीडिया पे देख लिया और पूरा छाप दिया, ये क्वेश्चन इस पे मिलेंगे आपको हार्डली 1 मार्क या 2 मार्क मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मार्क का नहीं मिलेगा, या तो 1 मार्क का आएगा कोई भी क्वेश्चन, है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, फोर्थ कंपाउंड है आइडोफॉर्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ट्राई आइडो मीथेन, है ना, ट्राई आइडो मीथेन, और फॉर्मूला है CHI3, जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में Cl होता है, आइडोफॉर्म में आयोडीन होता है। देन फ्रियॉन्स, हाँ जी, ये फ्रियॉन्स आपको पता है ना, फ्रियॉन्स CFC, कार्बन क्लोरो क्लोरो फ्लोरोकार्बन, तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन या क्लोरो फ्लोरोमीथेन के साथ अगर मैं बनाऊँ तो ये टाइप का एक फॉर्मूला हमको मिल सकता है। अब मीथेन की टेट्रावेलेंसी है, दो क्लोरीन से कंबाइन करो दो फ्लोरीन से, तो क्लोरोफ्लोरोमीथेन ये कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ये DDT का स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, और DDT as you all must be knowing it is used to kill mosquitoes and other insects, but nowadays it is banned by government for public use. तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये सारे compounds, this 6 compound, you have to prepare a short note, okay? तो उसके uses ज़्यादा important है हमारे लिए, तो uses आप लिखेंगे and we will see this information. If anybody finds any kind of difficulty in making short note of this 6 compound, do talk to me and I will suggest you something more or something different to write you. Okay, so now this is what the part you have to complete. ओके, थ्योरेटिकल है बेटा, इसमें समझाने के जैसा, पढ़ाने के जैसा कुछ भी नहीं है, है ना, तो आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर के तरफ जा सकते हैं, और चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड
ethers, and ethers. सही है। अब ये तीन कंपोनेंट है, एक अल्कोहल है, एक फिनॉल है और एक थर्ड ईथर है इसमें। तो अल्कोहल हम लोग देखेंगे पहले डिस्कशन के लिए, अल्कोहल्स को वी विल कंसीडर। ओके, तो आपने देखा होगा मैंने पीडीएफ फाइल भेजा है, उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे और नोट्स लेके बैठेंगे अपने साथ में हर रोज क्लास में। और अब बिफोर स्टार्टिंग दिस, आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करनी होगी मुझे अभी, तो गूगल क्लासरूम में हम क्या बोलते हैं, ये गूगल क्लासरूम में एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको गूगल यानी जीमेल अकाउंट आपको ओपन करना होगा। तो एवरीबडी मस्ट मेक योर जीमेल अकाउंट रेडी और आप मुझे वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, फिर मैं आप सबको वो ग्रुप में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन पेपर मैं रिलीज करूंगा, आप लिख के उसके आंसर मुझे देंगे। तो एग्जाम होगी हमारी हैलोजन डेरिवेटिव्स पे। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड चैप्टर दैट ऑफ ऑर्गेनिक अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर, एंड द फर्स्ट कंपाउंड इज अल्कोहल। यू नो दिस alcohols, तो alcohols में क्या होता है, the OH group is directly bonded to carbon, OH group is bonded to hydrocarbon, so when it is bonded to hydrocarbon we get alcohol। जैसे यहाँ carbon लिया methane का, इसमें से एक hydrogen कैसे किया हमने, ये methane लिया इसमें का एक hydrogen replace किया hydroxy group से, तो आपको मिल गया CH3OH। सो दैट मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप इज बॉन्डेड टू हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर हमने लिया ये इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो और उसके जगह OH लगा दो तो आपको मिल जाएगा फिर से अल्कोहल। तो जैसे यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस किया, व्हाट वी गेट, CH3CH2OH वी गेट, हियर इथाइल अल्कोहल, हियर वी गेट मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल और इथेनॉल। सो बेसिकली अल्कोहल्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ hydrocarbons, ऐसा हम बोल सकते हैं। They are the hydroxy derivative, hydroxy derivative of hydrocarbons. Mostly हम discuss करने वाले हैं aliphatic hydrocarbon, है ना? और aliphatic में भी हम कौन सा का hydrocarbon discuss करेंगे, alkanes का, saturated, है ना, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन्स। तो मेजर डिस्कशन ये वाले कंपाउंड पे होगा। बट इन जनरल व्हाट इज एन अल्कोहल, अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। का हाइड्रोकार्बन हमें पता है सैचुरेटेड भी है अनसैचुरेटेड भी है, हमारे मेन डिस्कशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आने वाले हैं। Okay, so this is all about the general introduction of alcohols. Now we will go for classification of alcohols. और अभी तो ये online class है, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे classification of alcohol, types of alcohol. तो मैं बच्चों को पूछता था, तो class में रहते थे तो थोड़ी मस्ती करते थे और फिर वो बोलते थे there are two types of alcohol. एक कौन सा, देशी और दूसरा विदेशी। तो ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, है ना? तो लेकिन अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट।
नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सिल बोलते हैं या हाइड्रोक्सी, इट इज वन एंड द सेम थिंग, है ना। ओ एच की बात कर रहे हैं। अल्कोहल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट। इफ देयर इज ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, वी कॉल इट एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो थोड़ा फेंट हो रहा है क्या इंक का? तो ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, वी कॉल इट एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कंपाउंड इज मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, और इसके एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे पता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। अभी हमने देखा CH3CH2OH, there is only one hydroxy group we see in this monohydric alcohol. We can have CH3CH2CH2OH, so only one hydroxy group. This is ethyl alcohol. The next is propyl alcohol. So they contain only one hydroxy group named as monohydric alcohol. Next rahega dihydric alcohol. Dihydric alcohol, as the name itself suggests, it is having how many hydroxy group? Two hydroxy group. But this two hydroxy group should be on different carbon. They should not be on same carbon. सेम कार्बन पे एक से ज्यादा जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा वो उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड को अनस्टेबल कर देता है, करेक्ट है। तो हमें उसमें क्या रखना है, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन डिफरेंट कार्बन एटम विल बी टर्म्ड एज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपको याद रखना है, CH2OH, इट इज नेम्ड एज इथाइलीन ग्लाइकॉल, करेक्ट। इट इज नेम्ड एज इथाइलीन ग्लाइकॉल, डायहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड आ गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल नेम इटसेल्फ suggest that it is having how many hydroxy group? Three hydroxy group present and known as trihydric alcohol. CH2OH, CHOH and CH2OH, this is trihydric. देखिए हर एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। अभी मैंने कहा है आपसे when two or more hydroxy group then they should be on different carbon atom. So what is trihydric alcohol? Having three hydroxy group on three different carbon atom, and this compound is what we call as glycerol or glycerin तो पता है आपको कहाँ ज्यादा यूज होता है, glycerin कहाँ यूज होता है, वो आप देखते हैं ना, सीरियल देखते हैं टीवी में, बहुत सारे फैमिली ड्रामा मूवीज देखते हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर रोना आता है, फिर ऐसे सबके आंसू पोछे जाते हैं, तो वो ग्लिसरीन के होते हैं, है ना। ग्लिसरीन क्या थोड़ा थिक होता है, आप भी जानते हैं सर, थोड़ा सा थिक होता है, तो इट रोल्स डाउन स्लोली इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। अब आग से आंसू लाना है, अब हीरो हीरोइन के मम्मी के स्पेशली, है ना, माँ तुम्हारे आंसू की कीमत कसम मैं बदला लेके रहूँगा, है ना। तो ऐसे मूवीज में
ग्लिसरॉल का बहुत यूज होता है, तो ग्लिसरॉल इज नथिंग बट ग्लिसरीन। और भी ग्लिसरॉल का, ग्लिसरीन का यूज है, अभी विंटर में काफी लोगों ने यूज किया होगा, है ना, रोज एंड ग्लिसरीन टू बी अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, है ना, तो बॉडी मॉइस्चराइजेशन के लिए ग्लिसरीन और रोज वाटर यूज करिए आप, बाकी कोई दूसरा महंगे वाले बॉडी लोशंस लेने की जरूरत नहीं है। वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं टीवी में सब महंगे महंगे, और हीरो हीरोइन लेके पूरा बॉडी में चपोड़ते रहती है, इतना ही काम रहता है ना। तो चल रही थी बात ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, फॉर्मूला देखेंगे CH2OH, CHOH, CH2OH, करेक्ट है। इसका नोमेनक्लेचर आप दे सकते हैं क्या मुझे IUPAC? कितने कार्बन है? तीन कार्बन है तो प्रोपेन होगा, है ना, और तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है अलग अलग कार्बन पे, 1, 2, 3, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओलाइन, प्रोपेन है ना, प्रोपेन ई ड्रॉप हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। अब ये ई रहेगा या ड्रॉप हो जाएगा वो भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। जब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहते हैं या फंक्शनल ग्रुप रहते हैं एक से ज्यादा, तब ई को ड्रॉप नहीं करना है। जब सिंगल फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब ई ड्रॉप होता है। तो ये बना प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल, IUPAC नेम ग्लिसरॉल का या ग्लिसरीन का, है ना। तो शॉप में जाके ग्लिसरॉल भी नहीं बोलना, शॉप में जाके ग्लिसरीन ही मांगने का, है ना। ग्लिसरॉल बोलेगा तो आप बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, और 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा। नेक्स्ट, इसका IUPAC नेम दे दो ना, डायहाइड्रिक अल्कोहल का, डायहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नेम क्या लिखेंगे? ये 1, 2 है तो इथेन 1, 2 डायोल, इथेन 1, 2 डायोल, इथेन 1, 2 डायोल, करेक्ट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। फर्स्ट कौन सा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैविंग सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप, डायहाइड्रिक टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, एग्जांपल बोलेंगे इथाइलीन ग्लाइकॉल और इथेन 1,2 डायोल। थर्ड है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, वी नेम इट एज 1, propane 1, 2, 3 ट्रायोल और ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। अब अगर चार रहेगा तो टेट्राहाइड्रिक, पांच रहा तो पेंटाहाइड्रिक, ऐसा बढ़ते जाएगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पॉलीहाइड्रिक में ही कर देते हैं, है ना, एक कॉमन टर्म यूज करेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, जनरल टर्म व्हेन टू और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड then it is called as polyhydric alcohol, two or more general term कर दिया हमने, है ना, डायट्राई को भी लपेटे में ले लिए यहाँ पर। तो what do we mean by polyhydric alcohol, when two or more hydroxy group present on different carbon atom in a same molecule or compound we call it as polyhydric alcohol। और उसका एक प्यारा सा एग्जांपल है सॉर्बिटॉल, है ना, ये सॉर्बिटॉल और सॉर्बिटेट जो है वो दोनों बहुत अलग है, है ना, एक हार्ट अटैक के वक्त में देख सॉर्बिटेट करके एक टेबलेट देते हैं लाइफ सेविंग के लिए, वो अलग है, वो सॉर्बिटेट है, ये सॉर्बिटॉल है। सॉर्बिटॉल इज व्हाट हेक्साहाइड्रिक
एल्कोहल, सॉर्बिटॉल इज अ हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कैसा होगा उसमें 6 कार्बन और 6 कार्बन में OH ग्रुप अटैच होंगे। तो कैसे अटैच करेंगे हम देखते हैं, इसको सिंपल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो जरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया क्या हमने, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं हमको, और टर्मिनल वाले कौन से रहेंगे बेटा, CH2OH, CH2OH, और बीच में भी 4 लगाओ, 6 लगाओ, 10 लगाओ, आप जितने लगाने हैं वो CHOH बनेंगे, करेक्ट है। तो ये बन गया सॉर्बिटॉल जो है हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल, कॉमन नेम इज सॉर्बिटॉल। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कम्स फॉर द अल्कोहल इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड। नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड। ये समझ लीजिए, इसको सिर्फ अपने को रटना नहीं है कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा CH ऐसा, और यहाँ पर sp3 लिखा होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये कार्बन है ना, कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन से OH ग्रुप बॉन्डेड है, दैट इट विल बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। फिर से एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, क्या पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, कि कार्बन OH ग्रुप से अटैच है, दैट इज करेक्ट, बट वॉट इज दैट हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कैरीज, कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैरी कर रहा है, sp3 कर रहा है, sp2 कर रहा है, और वो अगर बॉन्डेड है तो नेक्स्ट वाले कार्बन का नेचर क्या है, ये भी वहां पर अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही क्लासिफिकेशन हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा था, अलाइलिक हलाइड पढ़ा था, बेंजाइलिक हलाइड पढ़ा था, विनाइलिक हलाइड पढ़ा था, सेम लॉजिक हमको यहाँ अप्लाई करना है। इसीलिए मैं फिर से यहाँ एक बार आपको बता दूँ कि जो सेकेंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर नेचर ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड, टू विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं COH, अल्कोहल कंटेनिंग COH बॉन्ड एंड द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अल्कोहल। अब ये तो सबसे सिंपल है, जो कॉमन हम पढ़ रहे हैं वही यहां पर आ रहा है कि COH कार्बन इज बॉन्डेड टू, सॉरी, OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू अ कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके पास में CH3OH है ना, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर OH है। अब sp3 हाइब्रिडाइज, ये पता है आप सभी को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में कब होता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तब ईच कार्बन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, व्हेनेवर देयर विल बी अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन
टू कार्बन एटम, ओके। तो यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा। इफ वी टेक दिस कार्बन, सो दिस कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3, एंड टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन OH इज बॉन्डेड। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, पहला एग्जांपल लिखते हैं, ये देखिए CH3 CH2OH, सो दिस इज वॉट हाईलाइट करते हैं यहाँ पर, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। स्ट्रक्चर वाइज बेटा इसको लिखना है तो ये CH3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ देख लो ये CH2 और ये OH, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आगे आपका ये, अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, दिस कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कार्बन आपको पढ़ाए थे हमने, प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन, सो दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज अ प्राइमरी कार्बन सिंस इट इज बॉन्डेड टू ओनली CH3, ओनली वन ग्रुप, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। तो ये हमारा प्राइमरी sp3 COH टाइप एग्जांपल मिल गया हमको। अब इसी को सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी को सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट करना है तो CH3 CH CH3 OH, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। कैसे सेकेंडरी कार्बन हो गया, यहाँ स्ट्रक्चर में समझ लो CH3 CCH3 HOH। बेटा देखो यहाँ पर ये कार्बन का नेचर सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी कार्बन करेक्ट है, एंड दिस सेकेंडरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन OH इज बॉन्डेड। सो व्हाट वी कैन से दैट this is a secondary COH sp3 carbon. तो ये इसका nomenclature क्या होगा, we name it as isopropyl alcohol या फिर IUPAC name 2-propanol, और दूसरे तरीके से लिखे तो propane 2-ol। सेकेंडरी एग्जांपल आ गया तो इसको ये 2 डिग्री, ये प्राइमरी है तो 1 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 डिग्री टर्शियरी वाला, टर्शियरी इसी को टर्शियरी बनाओ, इसको आपने सेकेंडरी कन्वर्ट किया इसी को टर्शियरी, तो CH3 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 OH, और ये कार्बन sp3 है जो हम लेके चल रहे हैं पहले से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH अटैच है, एंड दिस कार्बन इज अ टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन करेक्ट है। इसका भी नोमेनक्लेचर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल IUPAC नेम दे सकते हैं आप, तो 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol। देखिए जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में फॉलो करेंगे और उसमें लिखते जाएंगे, प्रॉपर ब्लैंक स्पेस आपको वहाँ मिलने वाली है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव। टेक्स्ट बुक भी रखिए और नोट्स भी रखिए अपने टेबल पे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखा पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप मोनो डाइट्राई एंड पॉली। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच। तो उसमें फर्स्ट देखा हमने COH और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज,
इसके और दो तीन टाइप है, वो कल देखेंगे हम लोग आगे के डिस्कशन में। कल संडे है फिर भी हम क्लास कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आगे इस वीक में वैसे ही हमारी दो क्लास चले गई थी। ओके, तो असाइनमेंट पूरा करेंगे और कल के लिए नोट्स अपने लेके तैयार बैठेंगे, टेक्स्ट बुक और नोट्स साथ में लेके। सी यू टुमारो।